कुलदीप यादव चाइना मैन स्पिनर 4 विकेट, मोहम्मद सिराज फास्ट बॉलर 2 विकेट, और नया नया लौंडा आया है लेफ्ट आर्म स्पिन ऑलराउंडर शहबाज अहमद, उसने लिए 2 विकेट। वाशिंगटन सुंदर ने भी बेहतरीन गेंदबाजी की और टीम इंडिया की बॉलिंग यूनिट ने, टीम इंडिया की बी टीम की बॉलिंग यूनिट ने साउथ अफ्रीका को केवल 99 रन के स्कोर पे पैक कर दिया है। इसके साथ ही भारतीय टीम ने 23 साल पुराना एक रिकॉर्ड तोड़ दिया है। उस रिकॉर्ड के बारे में बात करेंगे, पहले आपको बता दूं कि साउथ अफ्रीका ने एक अजीबोगरीब रिकॉर्ड भी आज बना लिया है। साउथ अफ्रीका दुनिया की पहली ऐसी टीम बन गई है जिसने 3 वनडे मैच की सीरीज में 3 अलग-अलग कप्तान उतारे हैं। जी हाँ, पहले मैच में बाउमा कप्तान थे, दूसरे मैच में केशव महाराज कप्तान थे, और तीसरे मैच में आज जो है डेविड मिलर ने कप्तानी की है। लेकिन कप्तान बदलती रह गई साउथ अफ्रीका की टीम और आखिरी 2 मैच में जीत नसीब नहीं हुई। पहले मैच में संजू सैमसन थोड़ा सा चूक गए, थोड़ा कोई साथ दे देता उनको तो 3-0 से साउथ अफ्रीका की इस फुल स्ट्रेंथ टीम का जो है टीम इंडिया सफाया कर देती। बहरहाल तीसरे मैच में दिल्ली के पिच में बारिश हुई थी कल काफी ज्यादा, और पिच डैम्प थी और आउटफील्ड भी गीला था, तो इसके कारण मैच थोड़ा लेट से भी शुरू हुआ। लेकिन साउथ अफ्रीका के बैटर को इस पिच पे बहुत मुश्किल आई और भारतीय बॉलर्स ने, स्पेशली बाद में स्पिनर्स ने जो है साउथ अफ्रीका की बैंड बजा करके रख दिया, 99 रन पे ऑल आउट कर दिया, और इसके बाद तो जीत भारत के लिए एक फॉर्मेलिटी ही थी और उसको भारत ने हासिल कर लिया है। 12 साल के बाद जो है साउथ अफ्रीका के खिलाफ भारतीय टीम ने अपने घर में वनडे सीरीज जीती है। इससे पहले 2010 में कामयाबी मिली थी, 2015 में जो सीरीज खेली गई थी उसमें साउथ अफ्रीका ने जीत हासिल की। अब मैं आपको बतला देता हूँ कि टीम इंडिया ने 23 साल पुराना कौन सा रिकॉर्ड तोड़ दिया है। तो दोस्तों, जो साउथ अफ्रीका 99 पे जो ऑल आउट हुआ है, ये इंडिया के खिलाफ उसका आज तक का हिस्ट्री में आज तक का वनडे में लोएस्ट स्कोर है। भारत ने 1999 में साउथ अफ्रीका को 117 रन पे रोका था, मतलब 23 साल पुराना रिकॉर्ड था साउथ अफ्रीका के खिलाफ इंडिया का लोएस्ट स्कोर का, वो आज टूट गया है। साउथ अफ्रीकन टीम केवल 99 रन के स्कोर पे ऑल आउट हो गई है, और बहुत ही बड़ा मैसेज है ये इंडिया की मेन टीम के लिए भी, उस टीम के लिए जो कि वर्ल्ड कप खेलने, T20 वर्ल्ड कप खेलने ऑस्ट्रेलिया गई है। सारे प्लेयर्स को मैसेज है कि अच्छा परफॉर्मेंस कीजिए, नहीं तो आपकी जगह लेने के लिए यंगस्टर्स तैयार है, यंगिस्तान तैयार है। यंगिस्तान ने जो है आज साउथ अफ्रीका को वनडे सीरीज में हरा दिया है, और बतौर इंडियन क्रिकेट फैन आई एम रियली वेरी हैप्पी, और तमाम इंडियन फैंस को बहुत बहुत बधाई। दोस्तों, अगर आप जानना चाहते हैं कि इस समय T20 क्रिकेट में दुनिया में सबसे अच्छा और सबसे खराब मिडिल ऑर्डर किस टीम का है, तो आप ये वीडियो जरूर देख लीजिए, इसमें आपको आपके सवाल का जवाब मिल जाएगा।